एक महिला को दिन दहाड़े घर से खींचकर बाहर निकाला जाता है और फिर सड़क पर लाकर बेल्ट और लातू घूंसों से पिटाई की जाती है। उसे बचाने आई महिला को भी पीटा जाता है। सरेआम सड़क पर पीटने वाला शख्स कांग्रेस का एक नेता था। मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। ये घटना शुक्रवार को पंजाब के मुक्तसर शहर में घटी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। मुक्तसर शहर में दिन दहाड़े घर से खींचकर दो महिलाओं को सड़क पर लाकर पीटने की वारदात ने शहर को हिलाकर रख दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इसका विरोध होने लगा। मामला कथित पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होते ही अब बवाल मच गया है। पीटने वाला शख्स मौके से फरार हो गया और उसका कोई अदर पता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में पुलिस अभी तक बचती हुई नजर आ रही है। महिलाओं को पीटने वाला शख्स मुक्तसर के एक वार्ड का कांग्रेस पार्षद का भाई बताया जा रहा है। वह दो महिलाओं को घर से खींचकर सड़क पर लाता है और जमकर लातू घूंसों और बेल्ट से पिटाई करता है। पीटने वाला शख्स कबाड़ की दुकान चलाता है और थोड़े से उधार दे पैसे के लेन देन को लेकर दोनों महिलाओं को घर से पकड़कर खींच सड़क पर लाता देख रहा है। अपने साथियों समेत 3-4 लोग बहुत जबरदस्त पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जेड न्यूज की रिपोर्ट।